आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका एक YouTube चैनल है और आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है तो ऐसे में हम अपने बैंक खाते को अपने YouTube यानी कि Google AdSense से किस तरीके से ऐड करें ताकि जो भी YouTube की अर्निंग है वो हम अपने बैंक अकाउंट में ले सकें। तो किस तरीके से हमें खाते को ऐड करना है, यानी कि अपने बैंक खाते को जो कि Google एडिसन्स में आपको ऐड करना होगा, क्योंकि जो यूट्यूब की अर्निंग है वो आपके गूगल एडिसन्स में जाती है और उसके बाद जो पैसा है एडिसन्स से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी के साथ में किस तरीके से अकाउंट ऐड करना है, किस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वही ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर लिख देंगे गूगल एडिसन्स, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं गूगल एडिसन्स, लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो एडिसन्स की वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और आपकी ईमेल आईडी अगर उसी में है तो वो यहाँ पर लॉगिन भी हो जाएगा एडिसन्स से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि एडिसन्स फॉर यूट्यूब पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपना जो यूट्यूब पेमेंट अकाउंट है वो आप इसमें ऐड कीजिएगा, ठीक है। आप यहां पर अगर ये एरर देखने को मिल रहा है तो आप इस पर भी क्लिक करके पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप पेमेंट पे सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद में पेमेंट इन्फो पर सिंपली क्लिक करेंगे तब भी आप यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं तो अब यहां पर जो YouTube है वो आप देख सकते हैं YouTube इंडियन, ठीक है, यानी कि इंडियन में जो एडिसन्स अकाउंट है वो यहाँ पर अटैच है और इसी के साथ में यूट्यूब की जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो शुरुआती है जो कि यहाँ पर दिखा रहा है $114, ठीक है। इससे पहले आपको कुछ चीजों को चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे कि चेक क्या करना है, मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर मिलेगा वेरिफिकेशन, ठीक है, चेक, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। ये सारी चीजों को आपको कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट है मेरी और एड्रेस है वेरिफिकेशन यानी कि कंप्लीट है, ठीक है, जो कि दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम पेमेंट पे सिंपली क्लिक करेंगे। पेमेंट पे सिंपली क्लिक करने के बाद हम यहां पर ये देखने को मिलेगा ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। ऐड पेमेंट मेथड पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी कि आपका खाते पर क्या नाम है, यानी कि जो बैंक खाता जिस नेम से है आपको उसका नेम यहाँ पर एंटर करना है। बैंक नेम यानी कि कौन सी बैंक, ठीक है, वो आपको बैंक नेम यहाँ पर एंटर करना है। IFSC कोड एंटर करना है जो कि आपकी पासबुक पर ही होगा। शिफ्ट कोड ये आपकी पासबुक पर नहीं होता है, ये ब्रांच का एक कोड होता है, तो इसको बता दूं काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो ये आपको शिफ्ट कोड लेना होगा जो कि आपको अपनी ब्रांच जाना होगा, मेन ब्रांच, ठीक है। जैसे कि कुछ छोटी मिनी ब्रांच होती हैं छोटी छोटी, तो उन्हें पता नहीं होता है शिफ्ट कोड के बारे में, पर जो इसकी बड़ी ब्रांच होती है जो कि मेन ब्रांच, उसे पता होता है उसके मैनेजर को। तो आपको वहाँ पर जाना है और आपको अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पर दोबारा री अकाउंट नंबर डालना है और आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सारी डिटेल डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर सारी डिटेल को फिल कर देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली सेव कर देना है। मैंने इसे यहाँ पर ब्लर कर दिया है, तो चलिए मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैनेज पेमेंट, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्राइमरी लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइमरी लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है बिल्कुल सही है और आप यहाँ से कभी भी अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं, अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इसी के साथ में ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है, तो आप यहां पर दूसरा भी बैंक अकाउंट है वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं गूगल एडिसन्स में पेमेंट लेने के लिए।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो इसको लाइक करें, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।